जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जन पर स्वागत है। आप वीडियो के हेडलाइन और थंबनेल देखकर समझ गए होंगे मैं कौन से टॉपिक पर बात करने वाला हूं। हालांकि 2-3 महीने के बाद मैं आज वीडियो अपलोड कर रहा हूं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसा है और मुझे लगा कि आप सबके साथ बात करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 मिनट लूँगा। अगर कोई दोस्त स्किप करना चाहते हैं तो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। क्योंकि जब मैं 2016 से यूट्यूब पर आया तब मैं सोचा नहीं था कि यूट्यूब से मुझे इतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, 1 मिलियन तक या उससे ज़्यादा मुझे सब्सक्राइबर बहुत जल्द कुछ सालों में 2-3 सालों में मिल जाएंगे। और जब 2019 में मेरा 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गया था तब भी मुझे नहीं लगा था कि एक ऐसा दिन आएगा कि आज मैं जिस तरीके से आप सबसे बात कर रहा हूँ उस टाइप से वीडियो बनाने की भी ज़रूरत होगा। क्योंकि कोविड के बाद से आप सबको पता होगा मेरे चैनल का व्यू बहुत ज़्यादा गिरा। हालांकि एक तरीके से मैं सच बोलूँ तो मैं भी खुद जिम्मेदार था 50-60%, और मैं रेगुलर नहीं था और यूट्यूब भी बहुत टाइम पे अच्छा वीडियो को प्रमोट भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा टाइम पे जो साधना था वो भी उनके टीम की तरफ से नहीं मिला। और दोनों सिचुएशन के कारण आज हालात ऐसा है, मैं कुछ भी अच्छा वीडियो बना दूँ व्यू नहीं जाता है, और कोई एक वीडियो भी चला भी जाता है तो बाद में कुछ वीडियो अच्छा होने के बाद भी एवरेज व्यू रिटेंशन ऑडियंस ड्यूरेशन सब कुछ अच्छा होने के बाद भी वो व्यू नहीं जाता है। और आज सिचुएशन ऐसा है कि मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो चैनल को डिलीट कर दूँ, डिलीट ना भी करता हूँ तो कुछ महीने के बाद यूट्यूब खुद मोनेटाइजेशन जो दिया है वो हटा लेगा तो एक तरीके से वो डेड ही हुआ, या फिर कुछ अलग तरीके से कंटेंट बनाऊँ। और मैं सोचा हूँ, काफ़ी कुछ सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। और कुछ एक साल से वीडियो ज़्यादा व्यू ना जाने के कारण, या 1.5 साल से व्यू ज़्यादा ना जाने के कारण इकोनॉमिक हालात भी बहुत अच्छा नहीं था, और कोशिश और भी किया वो नहीं हुआ। इस वजह से सोचा कि नहीं, कुछ चैनल अगर है पास में तो कुछ और कंटेंट बनाता हूँ। और मैं सोचा हूँ कि पाकिस्तान मीडिया का रिलेटेड ही कंटेंट बनाऊँ। और जो पुराने दोस्त थे शायद उनको पता होगा, या फिर वो 6 साल में चले गए होंगे, क्योंकि ये चैनल भी जब शुरू हुआ था पाकिस्तान मीडिया रिलेटेड कॉन्टेंट से ही शुरू हुआ था। पहले 20,000 या 25,000 सब्सक्राइबर मेरे पाकिस्तान मीडिया रिलेटेड कंटेंट से आए थे और वो 3-4 महीने में हो गया था। और मैं तब 1 महीने में 1 लाख के ऊपर भी कमा रहा था, ये मैं 2016 की बात कर रहा हूँ। और तब YouTube ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं था, ज़्यादा लोग YouTube के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन तब भी मैंने महीने में आसानी से 1 लाख के ऊपर पाकिस्तान मीडिया रिलेटेड कंटेंट से कमाता था। लेकिन बाद में मुझे लगा नहीं, अच्छा नहीं है, मैं खुद वीडियो बनाता हूँ। तो 4-5 महीने के बाद मैं सारा वीडियो खुद प्राइवेट किया और 2017 से मैं खुद वीडियो डालना शुरू किया। तब मेरा लैंग्वेज भी उतना ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं था, हालांकि अभी 100% करेक्ट नहीं है, लेकिन पुराने वीडियो आप देखोगे तो समझ जाओगे मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो 1 साल तक मुझे सिर्फ 8-10 हज़ार महीने मिलता था, मतलब जब पाकिस्तान मीडिया में मैंने 1 लाख 1 महीने में कमाता था, 2017 1 साल तक शायद वो 1 साल में मैं 1 लाख नहीं कमाया होगा। लेकिन 2018 से आहिस्ता आहिस्ता रेस्पॉन्स अच्छा मिलना शुरू हो गया और फिर से मेरा मतलब चैनल एक तरीके से आप कहूँ तो चल पड़ा। लेकिन कोविड के बाद जब हालात खराब हुआ तो सोचा कि फिर क्या करूँ, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया में मेरा बहुत अच्छा होल्ड था और अगर मैं तब से अब तक पाकिस्तान मीडिया कंटेंट कर रहा होता तो आसानी से 3-4 करोड़ तो मेरे पास अभी होते। लेकिन मैंने खुद छोड़ दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा कि वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। लेकिन जब हालात खराब हुआ मैं सोचा कि नहीं, फिर से कोशिश करता हूँ। पिछले 1 साल से 2 चैनल भी बनाए, 1 चैनल व्यू नहीं गया, मतलब कुछ है हुआ नहीं। फिर 3-4 महीने ब्रेक के बाद और 1 चैनल बनाया, जस्ट 3-4 महीने की पहले की बात कर रहा हूँ, तो वो अच्छा रेस्पॉन्स उसे मिला। 20 दिन में लगभग 7-8 लाख 7-8 हज़ार वॉच टाइम उसका हो गया था, वो सब्सक्राइबर 100-200 चाहिए था और 2-3 दिन में वो हो भी जाता। मैं सोचा क्यों इस चैनल में मतलब इंडिया में जाने उसे बोलूँ तो वो हो ही जाएगा। तो मतलब किस्मत ही खराब था कि वो चैनल हैक हो गया, मतलब जब व्यू अच्छा जा रहा था वो हैक हो गया। और 2 दिन के बाद मुझे वो चैनल तो वापस मिल गया क्योंकि वो जो हैकर था मेरा जीमेल आईडी को हैक नहीं कर पाया था, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो सारे वीडियो को 1-2 दिन तक प्राइवेट मार के खुद का वो अमेरिका का था तो बिटकॉइन के ऊपर स्ट्रीमिंग वगैरह किया था तो व्यू नहीं गया। यूट्यूब से बात किया, वहाँ भी कुछ मदद नहीं हुआ तो फिर मैंने सब कुछ छोड़ दिया। चलो ठीक है, वो किस्मत में नहीं है, वो नहीं करते हैं। बाद में और कुछ कोशिश की बाहर लेकिन वो हुआ नहीं। फिर सोचा इस चैनल है और ये मोनेटाइज्ड भी है तो फिर से वही कोशिश करता हूँ और ये आखिर कोशिश होगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आप सबसे बताना जरूरी है क्योंकि आप जो 2-3 हज़ार 4 हज़ार लोग मुझे देखते हैं उनको भी बताना चाहिए कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ और उनका राय भी क्या है पूछना चाहिए। सोचा हूँ कि अब पाकिस्तान रिलेटेड कंटेंट बनाऊँ तो न्यूज़ से लेकर रोस्टिंग और रिएक्शन वगैरह और फैक्ट चेक वगैरह करूँ। अगर आप पाकिस्तान रिलेटेड कंटेंट देखते हो तो आपको क्या देखने का मतलब पसंद है या ना पसंद है, आप भी नीचे मुझे जरूर कमेंट करके बताइए ताकि मुझे थोड़ा आइडिया मिले। अगर मैं आप लोगों को खुश कर पाया, 3-4 हज़ार 5 हज़ार जितने भी मुझे रेगुलरली अभी पहले देखते थे या फिर अभी आएंगे, मान के चलते हैं कि उतना ही आएंगे, कुछ ज़्यादा तो YouTube भेजेगा नहीं,
तो आप लोग अगर खुश होंगे तो फिर YouTube उसे और बाकी लोगों को भी सजेस्ट करेगा। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, और ज़रूर मैं उसे पहले पूरा करने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद है कि इस बार जो किस्मत मेरे दो तीन साल से, खासकर कोविड के बाद से पिछले 2 साल से ज़्यादा ख़राब है, वो थोड़ा सुधर जाए। बाकी रुकता हूँ, नमस्कार, जय हिंद। और आपका जो भी राय है नीचे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा।